तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आई सेकेंडरी बाई गुलफाम अली राजी में। तो अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि पॉलिसी कट मोशन, इफिशियंसी कट मोशन और टोकन कट मोशन, यानी कि नीति कटौती, मितव्यता कटौती और प्रतीक कटौती, ये क्या होती हैं, किस सेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, बजट के सेंस में इस्तेमाल की जाती हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। अच्छा, आपको पता है भारत में पहली महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया, दुनिया में पहला इंसान कौन था, पहला मंत्री या प्रधानमंत्री कौन था जिसने बजट पेश किया, पहली बार दुनिया में भारत में पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने बजट पेश किया, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में बजट पेश हुआ, बजट होता क्या है, बजट का कॉन्सेप्ट क्या है, बजट किस तरह से बनता है, किस तरह से तैयार होता है, किस तरह से बनता है, संसद में किस तरह से वो पास होता है, उसके बाद फिर लागू कैसे होता है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा में बजट भी पेश किया या संसद में बजट भी पेश किया, आर्थिक समीक्षा क्या है, प्रधान वित्त मंत्री का बजट भाषण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, रेल बजट और आम बजट पहली बार कब अलग अलग हुए, आखिरी बार कब अलग अलग पेश किए गए, और फिर से कब से एक साथ दोनों, यानी कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ संसद में पेश किए जाने लगे। तो इसी तरह की बातें, इसके अलावा विनियोग विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, यानी कि अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। बहुत सारे अमाउंट जो होते हैं जो हम अपने कंसोलिडेटेड फंड यानी कि संचित निधि पर भारित घोषित कर देते हैं, चार्ज घोषित कर देते हैं, उसका मतलब क्या है, कैग का क्या रोल है बजट में, और जो लोक लेखा समिति और अनुमान समिति हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक एस्टिमेट कमेटी, उनका क्या रोल है बजट में, उन सबको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का सेशन है और इसको हमने नाम दिया है बजट, इंडियन बजट सिस्टम। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो बजट, आप लोग कहते हैं यार, जैसे किसी, आप किसी नई शॉप में जाए ना, आमतौर पर जिस शॉप पे आप लोग जाते रहते हैं ना, जिस शॉप में आप लोग जाते रहते हैं रोज़मर्रा की ख़रीदारी के लिए, तो उसे आपकी वैल्यू या आपकी औकात या आपका बजट पता होता है, उसको पता होता है ये किस रेंज का माल खरीदेगा, है ना, पता होता है ना। आप गए ज़रा जींस दिखाना, तो आपका बजट क्या है, जैसे सोनू भाई बैठे सामने, तो ये 10,000 से कम की जींस नहीं ख़रीदती हैं। तो अब जब आप जाओगे शॉपकीपर के पास, तो वो उनको 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार की रेंज की जींस दिखाएगा। गुलफाम सर जाएंगे, तो गुलफाम सर शुरू करते हैं 700 से, कितने से, 700 से, तो वहीं से दिखाना शुरू कर देता है ना। तो हम जहाँ पर माल खरीदते रहते हैं उसको पता है कि इनकी वैल्यू कितनी है, ये कहाँ तक खरीद सकते हैं। देखो, एक तो होता है आदमी की जेब में पैसा, और दूसरा खर्च करने का साहस, यानी कि कितना खर्च कर सकते हैं। नई जगहों पर हम लोग जाएंगे तो जैसे हम बोला, हाँ भाई हमें ज़रा जींस दिखाइए, तो ये कहता है आपका बजट कितना है, यानी कि किस रेंज का माल आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं ना। आजकल तो माल कल्चर है, बहुत से शॉप में तो हम एंट्री नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे बजट से कहीं ऊपर होती हैं। ठीक है, तो बजट का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बजट का मतलब पैसे को जुटाना, यानी कि इनकम को पाना, उसको उसका अकाउंट बनाना, यानी कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखना, उसके बाद उसको खर्च करने की परमिशन देना, खर्च करने की परमिशन देने के बाद ये देखना कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, यानी कि ऑडिट, सुनते हैं ना, ऑडिट हो रहा, कहीं खर्च में, इनकम जुटाने में या खर्च करने में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, और अगर वो गड़बड़ी हुई है तो उसको सही करना, और सही करके फिर से नए सिरे से बजट बनाना। तो बजट केवल ये नहीं कि पैसा आया और खर्च कर दिया, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, इस सब को हम समझेंगे। सबसे पहली बात, आप लोग सभी जानते होंगे कि बजट जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा के बुजेटे शब्द से निकला है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुजेटे, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है बुजेटे, यहाँ से बजट निकला है। सबसे पहले जो बजट पेश किया गया वो रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा किया गया सन 1688 में, रॉबर्ट वॉलपोल, इंग्लैंड की संसद में इसने बजट पेश किया था सन 1688 में, रॉबर्ट वॉलपोल। उसके बाद भारत में सबसे पहले जो बजट पेश किया गया है वो 1860 में किया गया, 1860 में भारत में सबसे पहली बार, ये 61 मैंने गलत लिख दिया, 1860 में पहली बार भारत में बजट पेश किया गया, और बजट जो पेश किया था वो थे विल्सन, किसके समय में, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फाइनेंस मेंबर थे विल्सन, इन्होंने पहली बार बजट पेश किया था, और इन्होंने ही, जेम्स विल्सन ने ही पहली बार इनकम टैक्स, भारत में इनकम टैक्स लगाने की सिफारिश की थी, इन्हीं की सिफारिश पर 1861 में भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया था। ठीक है, ओके। अब हमारे यहाँ जो बजट सिस्टम है, इंडियन बजट सिस्टम, उसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आर्टिकल 265 और एक आर्टिकल 112, यानी 112।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 और 112 क्यों महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 265 कहता है कि देश में ना तो कोई कर, देश में संसद की मंजूरी के बिना, संसद की मंजूरी के बिना ना तो कोई नया कर लगाया जाएगा और ना ही किसी कर की दर बढ़ाई जाएगी। संसद पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ना तो कोई नया टैक्स आप लगाओगे और ना ही किसी टैक्स की दर यानी कि रेट बढ़ाओगे। मान लीजिए कोई टैक्स आप 4% वसूल रहे हैं तो अगर 4.25% भी कर रहे हैं तो आपको पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप किसी कर को हटाना चाहते हैं, किसी टैक्स को हटाना चाह रहे हैं या किसी टैक्स की दर को हटाना चाह रहे हैं, उसको मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अच्छा कर रहे हैं आप। भाई देखो, टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब जनता पे बोझ पड़ रहा है, तो अगर जनता पे बोझ पड़ रहा है तो भाई पार्लियामेंट की मंजूरी होनी चाहिए, है ना। और अगर जनता को कुछ दे रहे हो तो हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 265 जो है वो भारतीय बजट सिस्टम का आधार है, जो ये कहता है कि संसद की मंजूरी के बिना ना तो कोई नया कर लगाया जाएगा और ना किसी कर की दर बढ़ाई जाएगी। ओके, फिर आता है आर्टिकल 112। मैं आपको बता दूँ कि भारतीय संविधान में बजट शब्द का जिक्र कहीं भी नहीं है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है भारतीय संविधान में, ठीक है। उसकी जगह जो शब्द आया है वो आया है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी के सालाना रुपए पैसे का सालाना लेखा जोखा, ठीक है ना। एक साल में आपने क्या खर्च किया, क्या कमाया, कितना बचा है, क्या क्या आप जो हैं अब सरप्लस में आ गए हैं या आप कर्जदार हो गए, जो कुछ भी है पूरे एक साल में आपने जो भी आर्थिक क्रियाकलाप किए हैं उन सब का लेखा जोखा जो है वो कहलाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। बैंकों की भाषा में कहते हैं ना उसको, बैंकों की बैलेंस शीट कहते हैं ना, वही है, ये सरकार की बैलेंस शीट है। ओके, तो आर्टिकल 112 ये कहता है कि हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, हर नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में राष्ट्रपति सरकार से उसके एक वर्ष के या उसके पिछले वर्ष के या पिछले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में रखवाएंगे। आर्टिकल 112 में सिर्फ ये लिखा गया कि हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद में सरकार से उसके आय व्यय का या उसके वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा रखवाएंगे। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। अब जैसे अक्सर होता है ना, जैसे हम लोग, भारत एक कृषि प्रधान देश है तो साल भर में आमतौर पर हम लोग दो फसलें लेते हैं, है ना काविया, धान और गेहूँ की दो फसलें लेते हैं। तो साल भर हो गया साहब, अब साल भर बाद घर में हिसाब हो रहा है, दो फसलें गुजर गई ना, हालांकि हम लोग छमाही हिसाब करते हैं क्योंकि फसल आती है ना, तो फसल के बाद हम लोग हिसाब करते हैं, तो हम साल को भूल के हम फसल की बात करते हैं ना। फसल बोई गई, फसल पक गई, फसल तैयार हो गई, उसके बाद फसल हमने बेच दी, पैसे ले आए, अब घर में बैठ के उसका हिसाब किताब हो रहा। जो घर में जिम्मेदार है, जिसे हमने मुखिया बना रखा है, चाहे पिताजी हैं या बड़ा भाई है या कोई भी है, जिसे हमने मुखिया बना रखा है, अब उसे बिठा करके, पूरा दिन उसे बिठा करके सामने लाते हैं, बताओ कितना कितना धान या गेहूं बोया गया, कितनी फसल बोई गई थी, है ना, कितनी फसल बोई गई थी, उसमें कितनी पैदावार हुई, लागत कितनी थी, कितनी बचत हुई, इस बचत को आपने कहाँ कहाँ खर्च कर दिया, अगर कर्ज हो गया तो कर्ज क्यों हो गया, कर्ज हो गया तो कर्ज क्यों हो गया, कर्ज कहाँ से आपने लिया और अब इस कर्ज की भरपाई कहाँ से होगी, है ना। लेते हैं ना 6 महीने का लेखा जोखा, होता है हिसाब किताब, सभी घरों में होता है, ठीक है। तो वही है, घर में जो दादा दादी या मम्मी पापा या घर के जो भी बुजुर्ग हैं उन्हें बिठा लिया, जाओ भाई अब जो है हिसाब किताब कर लो आप। उसी तरह से राष्ट्रपति जो हैं सरकार से कहते हैं भी साल भर का हिसाब किताब करो, फिर आगे नए सिरे से काम शुरू होगा। तो इसी को कहते हैं कि आर्टिकल 112 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हर नए वित्तीय वर्ष की, अब यहाँ पर शब्द आ गया वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में इसको कहेंगे फाइनेंशियल ईयर, इसे अकाउंट ईयर है, लेखा का वर्ष भी कहते हैं। हमारे यहाँ जो कैलेंडर वर्ष शुरू होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। वित्तीय वर्ष को हम आमतौर पर बैंकों का वर्ष भी कहते हैं। ये कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। हमारे यहाँ गन्ना वर्ष कब से होता है सोनू, गन्ना वर्ष भारत में, गन्ना वर्ष, हाँ ना, 1 अक्टूबर से गन्ना वर्ष शुरू होता है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक, और रिजर्व बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से होता है। ओके, तो राष्ट्रपति हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार से उसके वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा, यानी कि कितना कमाया और कितना खर्च किया, उसका ब्यौरा संसद में रखाएंगे। इसी को हम तो आमतौर पर आम भाषा में कहते हैं बेटे बजट, समझ गए। लेकिन संविधान में बजट को क्या कहा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 112, ठीक है। अब यहीं पर बात आती है आर्थिक समीक्षा,
इसे शायद कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक रिव्यू या फाइनेंशियल रिव्यू, कुछ भी कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है आर्थिक समीक्षा। मान लीजिए कल को बजट पेश होना है संसद में, कल को बजट रखा जाना है, तो उससे एक दिन पहले वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री जो हैं हमारे देश की जो आर्थिक सेहत है, आर्थिक सेहत का मतलब हमारे देश में कितना पैसा है, आय व्यय से कोई मतलब नहीं है, कितना पैसा है हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, कितना लोन है, हमारी नेशनल इनकम कितनी है, जीडीपी कितनी है, कितना घाटा है, क्या इस सब का ब्यौरा जिसे हम कहते हैं आर्थिक समीक्षा उसको रखते हैं वित्त मंत्री। ये भाषण के रूप में नहीं लिखी जाती है, जिस दिन बजट रखा जाता है उससे एक दिन पहले संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। आपसे कोई कहेगा आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है, तो ये कौन करता है आर्थिक समीक्षा तैयार रह गया ना, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जो है वो आर्थिक समीक्षा तैयार करती है और इसको संसद में रखते हैं वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय इसको अंतिम रूप देकर के संसद में रखता है। ठीक, अब बजट की शुरुआत कैसे होती है, मान लीजिए आज जो है बजट पेश होगा। अच्छा, इससे पहले हम ये कह लें कि बजट बनता कैसे। बजट बनने की जो शुरुआत होती है हमारे यहाँ वो जुलाई अगस्त से हो जाती है। हमारे देश का जो वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है, वो सभी केंद्र सरकारों के मंत्रालयों को, केंद्र सरकार के सभी, केंद्र सरकारों नहीं कहना चाहिए, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को और सभी राज्य सरकारों को एक फॉर्म भेजता है। उसमें कहता है भाई आप इसमें ये चीज़ें भरो। क्या चीज़ें भरो, पिछले वर्ष आपको कितना पैसा मिला और कितना खर्च किया, किन किन मदों में खर्च किया, इस समय आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है, आने वाले वर्ष के लिए आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं, हर मंत्रालय से, वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों से ही पूछता है और राज्यों के मंत्रालयों से या राज्य सरकारों से भी पूछता है। अब राज्यों की डिमांड्स आ गई और केंद्र सरकार के हर मंत्रालय की डिमांड्स आ गई, उनको वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एक जगह पर रखता है, एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, उसी में वो देख लेता है किसको क्या देना है। इस तरह से वित्त मंत्रालय करीब 6-7 महीने में बजट तैयार करता है, अपना बजट तैयार करता है। उसके बाद उस बजट को तैयार करने के बाद इसको रखा जाता है संसद में। संसद में बजट को रखने का जो तरीका है वो ये है कि वित्त मंत्री जो होते हैं एक निश्चित दिन को, हमारे यहाँ आजकल बजट कब रखा जाता है, 1 फरवरी को, है ना, वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हर साल 1 फरवरी को या फरवरी के पहले वर्किंग डे को, अगर मान लीजिए एक फरवरी को अगर छुट्टी हो जाती है या संडे होता है तो उस दिन नहीं, जो भी फरवरी का पहला वर्किंग डे हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, उस दिन को वित्त मंत्री संसद में बजट रखेंगे। और बजट रखने का जो प्रोसेस है वो ये है कि वित्त मंत्री इसकी शुरुआत करते हैं लोकसभा में। वित्त मंत्री जो हैं अपने साथ बजट की जो भी फाइल है वो लेकर के आते हैं, पहले तो कागज़ों की फाइल होती थी, अब तो लैपटॉप वगैरह आ गए हैं, सब डिजिटलाइजेशन हो गया। वित्त मंत्री लोकसभा में खड़े होकर के या बैठ करके, अगर उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो बैठ करके अपना भाषण देते हैं, जिसे कहते हैं बजट भाषण। यानी कि जो भी उन्होंने बजट बनाया है कि पिछले साल हमने क्या क्या कमाया और कैसे कैसे खर्च किया, इस साल हमने कहाँ कहाँ से इनकम पानी है और आगे इस साल हमने किन जगहों पर क्या क्या खर्च करना है, वो सारा ब्यौरा एक भाषण के रूप में पढ़ते हैं, कहाँ पर, लोकसभा में। इसी को हम कहते हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण। ये करीब 1.5-2 या 2.5 घंटे का भाषण होता है जिसे हम कहते हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण। अच्छा, ये वित्त मंत्री का जो बजट भाषण होता है ना, पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, तैयार होने से पहले ये पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि सरकारें जो हैं बहुत से टैक्स बढ़ा रही होती हैं, बहुत से टैक्स घटा रही होती हैं, तो सरकार ये चाहती है कि सरकार की जो नेक्स्ट ईयर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग है वो किसी को पता ना चले। मान लीजिए किसी चीज़ पर टैक्स जो है घट रहा है, यानी कि सस्ती हो जाएगी कोई चीज़, तो अब नए दुकानदार जो उसको आनाकानी करेंगे खरीदने में, या किसी को लग रहा है कि ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो व्यापारी है ना उस चीज़ को स्टोर कर लेंगे कि यार जब बजट लागू होगा तो बेचेंगे, क्योंकि ये महंगी होने जा रही है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए बजट बनाने के प्रोसेस को या बजट को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। उसके बाद वित्त मंत्री जो हैं संसद में भाषण देते हैं, और वित्त मंत्री का जो संसद में बजट भाषण होता है वो लोकसभा में होता है, ठीक है साहब। जैसे ही लोकसभा में ये बजट भाषण ख़त्म होता है, इसकी कॉपी जो है राज्यसभा मेंबर्स को भी भेज दी जाती है कि भाई लो ये बजट है। उसके बाद अब वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा हो गया, अब इसमें 3-4 दिन डिस्कशन होता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। 3-4 दिन डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद अब क्या होगा, शायद मैंने यहाँ लिख भी रखा है तो इसी लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चल देते हैं। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, आर्थिक समीक्षा बता दिया, बजट भाषण बता दिया। अच्छा, बजट बनाने का जिम्मा क्या है, पूरे देश में बजट बनाने का जिम्मा है वित्त मंत्रालय का। और अगर हम अलग अलग मंत्रालयों की बात करें कि मंत्रालय में बजट बनाने का जिम्मा किसका है, तो वो उस मंत्रालय के फाइनेंस सेक्रेटरी या वित्त सचिव का है।
पूरे देश में बजट बनाने का जिम्मा किसका है? पूरे देश का एक बजट बनाने का जिम्मा भारत के वित्त मंत्रालय का। और हर मंत्रालय में, चाहे वो केंद्र सरकार का मंत्रालय हो या राज्य सरकार का मंत्रालय हो, हर मंत्रालय में बजट बनाने का जिम्मा है उस मंत्रालय के फाइनेंशियल सेक्रेटरी का। सेक्रेटरी का नहीं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव का, ऐसा सेक्रेटरी जिसकी जिम्मेदारी फाइनेंस की है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। वित्त मंत्रालय के अलग अलग विभाग भी हैं। भारतीय जो वित्त मंत्रालय है उसके अलग अलग विभाग हैं, जैसे आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग और राजस्व विभाग। अब ये जो आर्थिक कार्य विभाग है, इसे हम कहते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट विभाग। बजट बनाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वित्त मंत्रालय के इसी विभाग का होता है, जिसका नाम है आर्थिक कार्य विभाग। बजट में जितने भी नई प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं, जितने भी नए प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आप शुरू कर रहे हैं, उसकी मंजूरी जो है वो आर्थिक कार्य विभाग देता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है बजट बनाने में वो आर्थिक कार्य विभाग का होता है, समझ गए आप, है ना। वो वित्त मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा व्यय विभाग और राजस्व विभाग भी इसके अंदर आते हैं। अब प्रोसेस क्या है? बजट भाषण मैंने आपको बता दिया। बजट भाषण के बाद इसमें तीन चार दिन डिस्कशन यानी कि चर्चा होती है। उसके बाद हर मंत्रालय से जुड़ी हुई अलग अलग समितियाँ होती हैं, उसे हम कहते हैं विभागीय समितियाँ, स्टैंडिंग कमिटीज हिंदी में इसको कहते हैं हम, प्रवर समितियाँ। जैसे मान लीजिए रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय के इनकम एक्सपेंडिचर या रक्षा मंत्रालय के खर्च को जांचने के लिए एक प्रवर समिति होगी। कौन सी समिति होगी? प्रवर समिति। इसको कहा जाता है बेटा संयुक्त प्रवर समिति।